बहुत सी बातें जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं जिनके संबंध में घटित होने के पश्चात जब हम विचार करते हैं तो समझ में आता है कि यह मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। इतना बड़ा काम हमारे जैसे साधारण मनुष्य के द्वारा कैसे हो गया? तो उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपने श्रम, अपने पुरुषार्थ या अपने सुकृत से यह किया। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। पर जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो किसी भी उपलब्धि का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं, वे उपलब्धि का श्रेय अपने पूज्य गुरुजनों को ही प्रदान करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि स्वयं अहंकार से व्यक्ति बच जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, अहंकार किसी काम में नहीं आता। महाराज जी कहते थे अहंकार किसी काम में नहीं आता। किस काम में आता है? तो महाराज जी कहते, जैसे बनी बनाई खीर में कोई मिट्टी का तेल डाल दे, केरोसिन डाल दे, तो क्या होगा खीर का? हैं? खीर खाने की तो बात दूर रही, खीर सूंघने के योग्य भी नहीं रह जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं विशिष्ट, उनमें वो तो खीर के जैसी हैं और उनको मिट्टी के तेल जैसा अग्राह्य बना देता है अहंकार। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। पर अहंकार से बचने का साधन यही है कि हम निरंतर गुरु गोविंद की कृपा का अनुसंधान करें। हमने जो कुछ किया भगवान की कृपा से किया, और देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के अनुग्रह से ही कर रहे हैं। उपनिषद में एक आख्यायिका है कि त्रिलोक विजय का अभिमान देवताओं को हो गया था तो भगवान ने कृपा पूर्वक उसे नष्ट करना चाहा, और एक विलक्षण तेजोमय यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए और इंद्र को बड़ा कौतूहल हुआ कि है क्या चीज, इतनी विचित्र क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, भाई कौन पता लगाएगा इसका? अग्नि बोले, हम लगाएंगे, क्योंकि अग्निम ईड़े पुरोहितम, ये तो पुरोहित हैं। सबसे पहला ऋग्वेद का मंत्र अग्नि शब्द से ही आरंभ होता, अग्निम ईड़े पुरोहितम देवस्य ऋत्विजम। तो ये जातवेदा हैं, अग्नि हैं, अग्नि महाराज। उन्होंने वही अहंकार वाली युक्ति की। उस तेजोमय परमात्मा ने पूछा, कस्त्वम, तू कौन है? ये नहीं कहा कि महाराज जी आपका परिचय क्या, ये सब नहीं कहा। कस्त्वम, तू कौन है? तो वो तो बड़े अहंकार में गए थे अग्नि, उनको लगा कि हमारा बड़ा भारी अपमान हुआ। अग्नि बोले, अरे तुम जानते नहीं हमको, जातवेदा मैं अग्नि। गुरुजी, जातवेदा शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ महाभारत में लिखा है। महाभारत में लिखा है, वेदास्त्वदर्थम जातावै जातवेदा ततो ह्यसि। बहुत ऊंची बात, वेदाः त्वदर्थम जाताः, वेद हे अग्नि आपके लिए ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वेदों का प्राकट्य आपके लिए, क्योंकि वेदों का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो यज्ञ के द्वारा ही चरितार्थ होता है और यज्ञ अग्नि है, अग्नि स्वरूप ही तो है यज्ञ। चाहे स्मार्त यज्ञ करो तो, और श्रौत यज्ञ करो जिसमें वषटकार का प्रयोग होता वो श्रौत यज्ञ होता है, जिसमें स्वाहाकार का प्रयोग होता वो स्मार्त यज्ञ होता है। श्रौत स्मार्त किसी भी यज्ञ में अग्नि स्थापन होता है, इसलिए वेदों का प्रादुर्भाव अग्नि के लिए। जात वेदास्ततो यसि, वेदास्त्वदर्थम जातावै जात वेदास्ततो यसि, आपके लिए वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अग्नि, आप जात वेदा हो। क्या कर सकते हो तुम? अरे बोले, क्या नहीं कर सकते, हम सारे तीनों लोगों को जला के खाक कर सकते हैं। तो भगवान ने एक कथा आपको सुन रखी होगी आप लोगों ने, भगवान ने एक छोटा तिनका, सूखा तिनका सामने डाल दिया, बोले इसको तुम जला के दिखाओ। अग्नि ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग किया
वो तिनके को जला नहीं सके, जलाने की बात क्या चले, गरम नहीं कर पाए उसको, कम कम से कम गरम तो कर देते। एकदम लज्जित होके अग्नि चले गए, वायु आए, कस्त्वम तू कौन है, बोले मातृस्वाह मैं वायु मातृस्वाह। अच्छा क्या कर सकते, बोले बलवानों में मैं सबसे बलवान हूं, प्रचंड प्रभंजन हूं, सारी धरती को सूखे पत्ते के समान उलट सकता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को सूखे पत्तों के जैसे उड़ा सकता हूं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में। अरे बोलिए धरती पहाड़ पीछे उड़ाइयो, ये तिनके को उड़ा के दिखाओ, तिनका नहीं उड़ा सकता। सब देवता जब समझ न सके उस विलक्षण तत्व की महिमा को, और वे निराश होकर आ गए, तो इंद्र गए तो वह विलुप्त तो हो गए, अंतर्धान हो गए, तिरोहित हो गए। क्यों? कि इंद्र को ज्यादा अहंकार था त्रिलोक विजय का, तो इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए वो अंतर्धान हुए कि जिनको तुमने भेजा उनको तो हमने बात करने लायक भी समझा, जो कुछ हुआ मेरी कृपा से हुआ उसको तुमने अपनी स्वतंत्र उपलब्धि मान लिया, तो तुम्हारे जैसा अपराधी तो बातचीत करने लायक भी नहीं। इंद्र को बड़ी लज्जा हुई कि अरे हमको उस विलक्षण तेजोमय महापुरुष ने संवाद के योग्य भी नहीं समझा। इंद्र को लज्जा हुई, आकाश में भगवती पराम्बा उमा भगवती प्रकट हुई और उन्होंने इंद्र को अहंकार शून्य होने की प्रेरणा प्रदान। इस कथा के स्मरण कराने का प्रयोजन केवल इतना है कि सूर्य चंद्र अग्नि वायु वरुण आदि देवता भी बिना भगवत कृपा के कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो अत्यंत सामान्य मनुष्य हैं, हमारे द्वारा जो कुछ किया गया वो भगवान के अनुग्रह से हुआ, गुरुजनों की कृपा से हुआ, संतों की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। ऐसा यदि हम अपने आप में अनुभव कर लें तो अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो प्रचंड दोष हैं उन दोषों से हम बच जाएंगे। सारे दोष अहम और मम से ही उत्पन्न होते हैं और अहम और मम की जोड़ी है, अहम होगा तो मम होगा तो अहम होगा, और अहंकार ममकार से जब जीव बच जाता है तो मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, राम जी के बारे में, रावण जिसे तू मनुष्य कह रहा है वो राम जी कौन है, तो हनुमान जी का वचन है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में, कर्ता कारयिता च सः। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी कर्ता भी हैं और कारयिता भी, करने वाले भी हैं और कराने वाले भी भगवान ही। तो हम व्यर्थ अहंकार अपने ऊपर लेते हैं कि हमने किया अथवा हमने कराया, किया भी भगवान का और कराया भी भगवान का, ऐसा अनुभव करना चाहिए। कर्ता कारयिता च सः, भगवान कर्ता। अच्छा कर्ता व्याकरण में कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि जी का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। अब ये स्वतंत्र जो शब्द है इसका अर्थ भगवान को छोड़कर और कहां घटित होगा? सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल एक भगवान है, व्यवहार में भले ही हम किसी को कर्ता कह दें लेकिन सच्ची बात है गुरुजी ने जैसा पढ़ाया है कि शब्द की अपर्यवसायी जो वृत्ति होती शब्दार्थ करने की, उस अपर्यवसायी वृत्ति का आश्रय जब हम लेंगे तो स्वतंत्र शब्द का अर्थ परमात्मा में ही जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता केवल भगवान में है। मत भयात वाति वातो सूर्यस्तपति मत भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। अब एक प्रश्न है कि जब कर्ता भगवान है और कारयिता भगवान है तो हमको फिर स्वर्ग नरक आदि क्यों भोगने पड़ते हैं? कोई पूछ सकता है ये बात?
भाई जिसने किया अथवा जिसने कराया वही भोगे, करने वाले को कराने वाले को दोष लगे, हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा काम हो तो स्वर्ग भी परमात्मा ही भोगे और कुछ अनुचित कार्य हो जाए तो नरक भी परमात्मा ही भोगे। जीव को स्वर्ग नरकादि का सुख दुख क्यों भोगना पड़ता है? बड़ा जटिल प्रश्न है ये, और इसकी आड़ में लोग बहुत ऊटपटांग काम करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये सब करने कराने वाले भगवान है, भगवान की इच्छा से कर दिया, ऐसा भी लोग कह देते हैं। करने वाले लोग पत्ता भी बिना भगवान की इच्छा के नहीं हिलता, तो जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हो गया। इसमें भी क्या है विशेषता भैया जी, अच्छा काम तो हमारे द्वारा हो गया, हमारी इच्छा से हो गया, और कुछ गड़बड़ हो गया तो भगवान की इच्छा से हो गया। तो ये भेद क्यों रखते हो कि अच्छा तो हमने किया और जो अनुचित हो गया वो भगवान की इच्छा से हो गया, ऐसा क्यों सोचते हो? सच्ची बात यह है कि जिस क्षण जीव हृदय से यह स्वीकार कर लेगा कि भगवान कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं, उसी समय वह पुण्य पाप की जंजीर से मुक्त हो जाए, फिर वह भगवान के हाथ का खिलौना बन जाएगा, भगवान के हाथ का उपकरण बन जाएगा, फिर भगवान ही उसके शरीर के द्वारा कार्य करेंगे, वह व्यक्ति कार्य करने वाला नहीं होगा। महापुरुषों के द्वारा भगवान ही काम करते हैं, भगवान का उपकरण बन जाते हैं महापुरुष, और भगवान उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, पुण्य पाप के बंधन में नहीं रहते। इस प्रकार का जिसे विश्वास है कि भगवान कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं, ऐसा विश्वास जिस भाग्यशाली जीव को हो जाता है, निषिद्ध आचरण जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी उसके द्वारा निषिद्ध आचरण नहीं होगा। ये पहचान है उसकी। हम लोग सीधे कह देते हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, पर महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे इस संबंध में, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महाराज जी कहते थे कि लोमस जी जैसे जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, उनके हृदय में उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण हैं, अन्यथा पापी के अंतकरण में निषिद्ध कर्म करने की प्रेरणा उसके पापमय संस्कार ही करते हैं, और पुण्यात्मा के भीतर पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उसके पुण्य के संस्कार ही करते हैं। पर जो भगवान के भक्त पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण भक्त हैं, जो पुण्य पाप के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महात्मा वे जो कुछ करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ये लोमस जी जैसे संतों के लिए है, और ये भी उन्हीं के लिए है। उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। वो भी उन्हीं के लिए है जो भगवान के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। भगवान के हाथ की कठपुतली नहीं बने तो तुमको जो तुम करोगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। जो करेगा उसको भरना पड़ेगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।